मैं चढ़ती जवानी में था, मैं पढ़ाता था इस्लामाबाद में, तो मैं जिस रास्ते से जाता था तो वहां सुबह सुबह एक बुजुर्ग भी जो है टैक्सी ड्राइवर थे, तो मैं पढ़ाने के लिए जाता था, तो वो रास्ते में उनकी गाड़ी भी वो सुबह सुबह निकालते थे मेहनत मजदूरी के लिए, तो उनकी गाड़ी के पीछे लिखा होता था जन्नत हुसैन दी, पंजाबी जबान में जन्नत हुसैन दी, यानी क्या मतलब जन्नत हुसैन की। एक दिन उन बुजुर्गों से आमना सामना हो गया पेट्रोल पंप पे, तो मैंने अनेक से की, मैंने कहा जी बड़े अरसे से आपको देख रहा हूं, तो कहने लगे मैं भी बड़े अरसे से आपको देख रहा हूं, तो कुछ गपशप हुई, कुछ बातें आगे चली, तो मैंने कहा बाबा जी एक बात कहूं, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी आपने मेहनत की है, इसके पीछे लिखवाया है, जाहिर मजदूर आदमी के लिए लिखवाना भी बड़ी महंगे महंगा काम होता है, तो मैंने कहा मेरी एक बात मान ले, ये गाड़ी के पीछे ये लिखवा दे कि सब कुछ हुसैन दा, सिर्फ जन्नत नहीं सब कुछ हुसैन दा, क्योंकि इमाम अली मकाम को। तो वो बुजुर्ग एकदम रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नौजवान, मेरी दाढ़ी भी उस वक्त जो है वो पूरी नहीं आई थी, तो मुझे कहने लगे नौजवान कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या मतलब, बोला कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे इस जुमले की कीमत क्या है, तो मुझे अब ये पता लग रहा है कि मेरे इस जुमले की कीमत क्या थी। कहने लगे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे इस जुमले की कीमत क्या है, और वो ये कह के गाड़ी में बैठे और वो रोते हुए निकल गए। तो मुझे कुछ अरसे के बाद, यानी समझे कि 8-10 साल के बाद, अपने इस जुमले की कीमत और कदर पता चली कि सब कुछ हुसैन दा। एक बंदा होता है, बंदा जुमला कह जाता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैंने क्या कह दिया, तो मुझे उस जुमले की कीमत इस तरीके से पता चली कि मैं अपने मुर्शिदे गिरामी के पास बैठा था, तो आपने इशारत फरमाया जानते हो, मुझे कहने लगे, मुझे कहने कहते थे शाणिया, शाणिया मतलब शाणा कहते शाक सैयद, तो कहने लगे शाणिया तुझे पता है इस कायनात के अंदर जितना भी सोजो गुदाज है, इस कायनात में जितना भी दर्द है और इस कायनात में जितना भी कर्ब है, अल्लाह के इश्क में जो लोग रातों को उठ उठ के आंसू बहाते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, आ हा हा राती जागण शेख सदावण, राती जागण कुत्ते ते तू कुत्ते, रात दा जागणा औखा होता, एको जागदा चौकीदार राती, एको जागदा यार दा यार राती, एको जागदा पहरेदार राती, एको जागदा इश्क दी मरज वाला, ते एको जागदा यार दा यार राती। तो मेरे मुर्शिदे गिरामी रो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे, फरमाने लगे शाहजी आपको पता है इस कायनात में जितना भी सोजो गुदाज है, ये औलिया की आंखों से निकलने वाले आंसुओं की जो कीमत है, और इन आंसुओं के अंदर जो रूहानियत है, और इनके दिलों के तड़पने और फड़कने की जो कीमत और जो वजन है, जानते हो शाहजी ये क्या है। मैंने कहा अगर वहां तो बंदा जानता भी हो तो खामोशी इख्तियार करता है, तो मैंने कहा बाबा जी आप बता दें। फरमाने लगे कि जिस खाक पर, सुनिएगा, फरमाने लगे जिस खाक पर इमाम अली मकाम की सवारी ने एक दफा कदम रख कर उठाया, और वो कदम रख कर उठाने के बाद जो धूल उड़ी, इस धूल का ये पूरी कायनात के अंदर सदका है। अब अगर मुझे कहे कि शाह साहब कोई कहे कि ये बात कहां लिखी, तो भाई ये बात इधर लिखी, किताबों की बातें मैंने आपको अर्ज कर दी है पहले, तो ये बात इधर लिखी, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बियादत।